के सात दिन में। तो नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। दुवन मंदिर प्रांगण में जो भागवत कथा चल रही थी वो समाप्त हो चुकी है। महाराज श्री का ललितपुर से प्रस्थान हो चुका है। हम लोग काफिले में हैं और महाराज श्री को छोड़ने के लिए टोल प्लाजा तक जा रहे हैं। लगातार सात दिनों से हम लोग भागवत कथा का रसपान कर रहे थे। बहुत भव्य राम कथा कहेंगे जो भागवत कथा है वो ललितपुर में देखने को मिली है। श्री जी महाराज का खुद का एक प्रभाव था और बहुत व्यवस्थित जो कथा होती है वो कथा यहाँ पर देखने को मिली है। अब तक की सबसे बड़ी कथा के तौर पर इसे देखा जा सकता है। भव्य तरीके से जिस प्रकार से कलश यात्रा निकली, सबसे अच्छी बात ये रही कि कोई राजनीतिक मंच या राजनीतिक अखाड़ा इस कथा में वैसा देखने को नहीं मिला। सभी लोग आए, सभी पार्टियों के लोग भी आए और सबके लिए बैठने के लिए जो क्या कहते हैं जो भक्त दीर्घा होती है वही थी, तो सब लोग वहीं बैठते थे। और सातों दिनों बढ़िया भंडारा जो कहते हैं प्रसाद के तौर पर कि जितना खाना उतना खाइए प्रसाद, चाय पानी की व्यवस्था और बहुत शानदार तरीके से हर दिन कुछ ना कुछ विशेष होता था। सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, सभी लोग भक्ति में डूबे हुए थे और वास्तविकता में जो कथा होती है वैसी कथा ललितपुर में देखने को मिली है। तुवन मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। राम लखन जी जो महाराज है, राम लखन दास जी जो महाराज हैं, उन्होंने वास्तविकता में जितनी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा उन्होंने काम किया। सभी लोग सराह रहे हैं और सराहना होनी भी चाहिए। तुवन सरकार की सीधी सीधी कृपा है जिसके ऊपर वो तो जो काम करेगा वो होगा। तो लखनदास जी महाराज की तरह के लिए भी सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तुवन मंदिर का जिस प्रकार से जीर्णोद्धार हुआ है, सभी लोगों की कहीं ना कहीं भावनाएँ जुड़ी हैं और वो भावनाएँ प्रकट होती हैं जब लोग तुवन मंदिर प्रांगण में आते हैं। पूरी तरीके से सजा हुआ प्रांगण, इसके साथ साथ एक संस्कृत विद्यालय उसमें अब संचालित होगा और गुरुजी की एक प्रतिमा भी वहाँ पर स्थापित की गई है। पूरा जीर्णोद्धार हुआ है, बहुत अच्छा बन गया है तुवन मंदिर। दूर दूर से संत आते हैं। हम लोग भी जब बाहर जाते थे, जैसे अयोध्या जैसी जगह हम लोग जाते थे, तो तुवन मंदिर के नाम से वहाँ के संत तुवन मंदिर को जानते हैं और जैसे हम लोग बताते थे कि ललितपुर से आए हैं तो वहाँ उनके मंदिर में हम लोगों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ पर होती थी। खाने पीने की हर प्रकार की व्यवस्था होती थी। तो अकेला ये नहीं है कि आपका मंदिर, अगर एक आप ललितपुर के रहने वाले हैं तो आपको दूसरी जगह नहीं जानते हैं। राम लखन दास जी के महाराज का जो नाम है आज चौतरफा कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है और वास्तविकता में हम लोगों को गर्व की अनुभूति होती है। एक भव्य दिव्य भागवत कथा की समाप्ति हुई है और कथा कैसी होती है वो देखने को मिली है। चित्त विचित्त महाराज का यहाँ पर ललितपुर में आगमन हुआ और भजन उन्होंने गाए, राधा रानी के भजन गाए। इतनी भीड़ थी, जो पंडाल बनाई गई थी वो पंडाल में लोग बन नहीं रहे थे और समय से पहले चूँकि वो भजन संज्ञा जो थी वो समाप्त करती गई, चूँकि भीड़ लगातार बढ़ भी रही थी और चित्त विचित्त महाराज जी के लिए लौट कर मथुरा जाना था, चूँकि श्री जी महाराज ने कहा था तो वो मना नहीं कर पाए और आए और सीधे चले गए वापस। दो घंटे करीबन वो ललितपुर में रुके। श्री जी महाराज को हम लोग सब रिसीव करने के लिए गए थे सलगन के पास से और सैकड़ों गाड़ियाँ उसमें थीं। कड़ाके की सर्दी में श्री जी महाराज का आगमन हुआ था और इस कड़ाके की ठंड में खुद महाराज जी ने व्यासपीठ से कई बार बोला और इस कड़ाके की ठंड में कथा का समापन भी हो गया है। ललितपुर की जनता हर भाव से वहाँ पहुँची होगी और वास्तविकता में भाव विभोर हो जाते थे कथा सुनते सुनते। सभी लोग नाचने लगते थे और बहुत अच्छा लगा है। काफ़ी दिनों बाद इतनी बड़ी कथा ललितपुर में तुवन मंदिर प्रांगण में हुई है। कोविड का दौर भी हम लोगों ने झेला और एक बार पुनः कोविड की गाइडलाइन आ गई है, उसके पहले कथा की समाप्ति हो चुकी है। कल भंडारा है, सभी श्रद्धालु भंडारे में जरूर आएँ और इस समय हम लोग सभी लोग जो है महाराज जी को छोड़ने के लिए टोल प्लाजा जा रहे हैं। जो लोग हमारे साथ हैं उनसे हम आपका परिचय भी कराना चाहेंगे। हमारे गोलू राजा हैं, रवि साहू जी हैं और जो लोग आगे हैं उनको भी हम दिखाना चाहेंगे। आज अंधेरी जी जो है वो गाड़ी चला रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब भी बिल्कुल बैठे हैं और इन लोगों का विशेष सहयोग सातों दिन मिला है और सातों दिन तो चूंकि कथा चल रही थी तो था ही, उससे पहले से भी लगातार तुवन मंदिर पर जो भी कार्यक्रम होते हैं ये लोग हमेशा खड़े रहते हैं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास होता है वो करते हैं। देखिए काफिला आपके लिए दिखाई दे रहा होगा और
बहुत भाव विभोर व्यक्ति हैं सभी लोग जो इस काफिले में हैं, आत्मा से जुड़े हुए लोग हैं, तवन मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं। और तवन मंदिर का जो डेवलपमेंट हुआ है उससे कहीं ना कहीं सीना चौड़ा हो जाता है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? महंत राम लखन दास जी ने कहा पलट दी तवन मंदिर की, बहुत विकास हुआ है, परम आनंद की प्राप्ति हुई 7 दिनों में भगवान भागवत कथा श्रवण करके। जय हो। गोलू राजा क्या कहेंगे? ये कथा का रसपान करने में जो आनंद प्राप्त हुआ है, मैं तो वैसे एक ही दिन का कर पाया किस्मत, लेकिन बहुत मजा आया, बहुत अति उत्तम। रवि जी, श्रीमद् भागवत कथा जो इस बार हुई है वो अद्वितीय हुई है, मतलब एक भव्य काफी भीड़ रही, व्यवस्थित, बहुत बढ़िया प्रसाद वितरण, हर चीज व्यवस्थित, इतना जन समूह जो है एकत्र करना और व्यवस्थित करना, सभी का सहयोग रहा है। बीके सरदार जी का बहुत शानदार योगदान, बहुत शानदार साहब, बीके सरदार भाई साहब का जय हो, बहुत शानदार, हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल भाव से उन्होंने, बहुत बड़ा दिल है। राजा क्या कहेंगे? महाराज जी महंत जी ने जो किया है पूरे जिले में, जो तुमन मंदिर की काया पलटी है, अपन 3-4 साल से देख रहे हैं, जो सुंदरता आज वाकई में लग रहा है कि कुंभ था, कुंभ जैसा प्रकोप लग रहा है, कुंभ जैसा बिल्कुल माहौल देखने को मिला है, और हजारों लोग श्री जी की कृपा से माननीय पूरे जिले में धन धन है, जनता ने भी क्या दिखाया है जिले में, महाराज जी ने चमत्कार दिखाया है सरकार का, कहीं ना कहीं तुमन सरकार का प्रभाव है। और लखनदास जी ने, राम लखनदास जी महाराज ने जितना बना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तमाम दान वीरों ने खुल के दान दिया है, एक सहयोग के साथ कथा संपन्न हुई है। और वास्तविकता में 7 दिन कैसे निकल गए हम और आपको पता तक नहीं चला, जो सुबह से शाम हो जाती थी कथा सुनते सुनते, सभी लोग सुबह से शाम तक तैयारियों में लगे रहते, हर दिन कुछ ना कुछ नया होता था। और श्री जी महाराज की विदाई अब हम लोग करते हुए नजर आ रहे होंगे, आपके लिए काफिला चला जा रहा है, पल पल श्री जी महाराज हमसे दूर होते जा रहे हैं, ललितपुर वासियों से दूर होते जा रहे हैं, आशा करेंगे कि एक बार पुनः वो हमारे ललितपुर की पावन धरा पर आएं, तो वन सरकार के लिए कथा सुनाएं और उनके सानिध्य में हम सभी कथा सुने। महाराज की, श्री जी महाराज की, राम लखनदास महाराज की, तो वन सरकार की। आशीर्वाद बने रहे, सर्वेश्वर भगवान की जय। दिया क्या हुआ भाई? सबको आशीर्वाद, अरे ले लो हटते जा भैया, अरे गुरु गुरु जी चालो भैया चालो, हाँ कुल्ली